फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द ओलंपिक्स, बट इट्स द विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स वाज स्टार्टेड इन 1924, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक्चुअली जो ओलंपिक्स हुआ करते थे दैट बिकम्स मच मोर फैमिलियर, जो मॉडर्न ओलंपिक्स फिर हो गए आफ्टर द एंशियंट ओलंपिक्स, फिर मॉडर्न ओलंपिक्स इसे पहले मैंने बताया था, तो एंशियंट इसे पहले कल हमने पढ़ा था, परसों एंशियंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं विंटर ओलंपिक्स। जब वो ओलंपिक्स हो गया दैट बिकम मच मोर फैमिलियर, बहुत ज़्यादा उसकी जो लोगों ने सराहना की, बट आफ्टर दैट द आइडिया वॉज ब्रॉट इन 1924 कि क्यों ना हम सेपरेटली द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से द डिफरेंट गेम्स इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स एंड विल बी हेल्ड विद द डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के साथ साथ। तो 1924 में इनको इंट्रोड्यूस किया है, जिनको बोला जाता है विंटर ओलंपिक गेम्स। दे आर नॉट एज इक्वल फैमिलियर एज इक्वल टू मॉडर्न और समर ओलंपिक्स के, बट लिटिल बिट कंडीशंस और जियोग्राफिक्स और कुछ एक्टिविटीज के मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो इसका नाम था विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट किया गया था। देयर इज अ प्रोग्राम ऑफ लीस्ट 10 डेज का प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ गेम्स इंक्लूड किए गए जिनके जनरल रूल्स आर लाइक जैसे कि समर ओलंपिक्स में रूल्स होते हैं, वैसे भी इसमें भी है। और जो इसका जो ये ओलंपिक्स गेम्स दे आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल टू एज द समर ओलंपिक्स, बट टू सम एक्सटेंट जो विंटर गेम्स थे इनको कंट्रोल किया गया था, इनको कंट्रोल करते थे। देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल फेडरेशन दैट कंट्रोल्स और टेक्निकल मैटर जो थे वो कंसिडर किए जाते थे विद द समर बॉडी, समर ओलंपिक बॉडी के साथ। एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल कंट्रोलिंग बॉडी इसमें थी विंटर ओलंपिक गेम्स में, वो इसको लुक आफ्टर करती थी। एंड द विंटर ओलंपिक गेम्स में थे जो बहुत सारे गेम्स रिगार्डेडली प्योरली डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे, पर जो पर्टिकुलर इसी जो है और रीजनल जो क्लाइमेट विंटर क्लाइमेट और रीजनल क्लाइमेट के लिए जानी जाती है कंट्रीज, उन कंट्रीज में इन सबको इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी जो पॉपुलर गेम्स थी वो थी आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग। तो ये थी मतलब क्या इसकी जो मेन गेम्स, हॉकी, आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग, क्योंकि ओलंपिक समर ओलंपिक्स में तो ये सब गेम्स नहीं हो सकती है, तो इनको विंटर ओलंपिक्स में एज एन अल्टरनेट किया गया है। आफ्टर इन 1994 में इनको अल्टरनेट ईयर्स पे खेला जाता है, 2 साल के बाद विंटर आती है विंटर ओलंपिक्स और 2 साल के बाद आती है समर ओलंपिक्स। आफ्टर गैप अल्टरनेट एवरी 2 ईयर इट्स प्रैक्टिस्ड फ्रॉम 1994 से। और जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं इनके जो विनर्स होते हैं उनको ओलंपिक अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं, नाइदर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओलंपिक विनर्स, बट सच गेम्स आर रिग्रेडेड प्योरली एज डेमोन्स्ट्रेशंस। तो दैट इज नोन एज द विंटर ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हम थोड़ा सा बताएंगे पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स एक्चुअली ये है कि इट्स गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ओवर, तो वहां पे बहुत ज्यादा सफरिंग्स, इंजरीज और लोग जो थे मतलब दे आर लास्ट देयर फेथ फ्रॉम द लाइफ, और वो जीना नहीं चाहते थे लोगों की जो हौसला, मतलब द पीपल वी आर फाउंड वेरी सिक, मतलब रिमेम्बरिंग द हॉरर्स ऑफ द वॉर तो उससे क्या हो जाते थे बहुत सारे फौजी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर मतलब जो फौजीज थे, और जो सिविलियंस भी थे बहुत ज्यादा लोग डिसेबल्ड हो गए थे, मतलब किसी का कुछ बैकबोन में इंजरी हो गई थी किसी के, और कुछ इंजरीज की वजह से मतलब। एंड आफ्टर दैट इट वॉज सर लुडविंग ऑर्गेनाइज्ड द डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड द डिफरेंट हॉस्पिटल एंड ही वॉज ए सोशल वर्कर। तो उसने क्या किया, तो ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग विद सम एनजीओज, तो लुक आफ्टर करता था डिफरेंट पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स में। तो उसके बाद क्या हो गया, ज्यूरिंग द लंदन ओलंपिक्स जो लुडविंग ऑर्गेनाइज्ड ए कंपिटिशन फॉर दीज सोल्जर्स हु वेर ट्रीटेड, हु वेर अंडर ट्रीटमेंट, या जो ट्रीटेड किए गए थे इन टू वेरियस हॉस्पिटल्स,
तो उसके बाद इन द ब्रिटिश, बट कुछ फैमिलियर नहीं हो गया आफ्टर दैट, इट वॉज नेमड एज द इवेंट वॉज नेमड एट जो लंदन में ये ऑर्गेनाइज हो गया था, ये जो डिसेबल्ड और बीमार कुछ सोल्जर्स थे उनके लिए एक इवेंट किया गया सर लॉर्ड विंग ने। आफ्टर दैट इसको माना गया कि इसको कंसिडर किया गया कि इसको हम इसका नाम हम रखेंगे पर्लर ओलंपिक्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द होल्डिंग ऑफ पर्लर ओलंपिक्स वॉज स्टार्टेड एट इंटरनेशनल लेवल इन 1960 से। जो ये सर लॉर्ड विंग था ही कलेक्टेड द हैंडीकेप्ड एथलीट्स, जो ये बीमार थे हैंडीकेप्ड थे डिसेबल्ड थे। तो फर्स्ट गेम दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस इवेंट वाज शूटिंग थी, जो क्योंकि इसमें जो ये थे शूटिंग हैंडीकेप्ड पीपल। आफ्टर दैट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1964 टोक्यो में, इसराइल में 1972 में, और टोरंटो ओलंपिक्स इन 1976 में भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आफ्टर दैट द स्पेशल व्हील चेयर इन लोगों के लिए बनाया गया कि दैट दे वेयर यूज्ड, बट सो मेनी टाइम ये पैरा ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स थे दे वेयर इंक्रीजिंग द पैरा ओलंपिक्स एथलीट्स जो थे, और ऑर्गेनाइज ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस इनको लो दिया। तो बट इन आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम द गेम्स वेयर मच मोर फैमिलियर फॉर दिस पर्सन। तो उसके बाद क्या गया, मेंटली रिटायर्ड पर्सन जो भी होते थे टू सम एक्सटेंट, जो मेंटली इम्बैलेंस हुआ करते थे लिटिल बिट ज्यादा नहीं, उनको भी एक चांस दिया गया था आफ्टर 1990 के बाद 1990s में। तो 1988 में साउथ कोरिया ने इस पैरा ओलंपिक्स को होस्ट किया, और बट द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस हैंडीकेप्ड रिटायर्ड और डिजीज एड डिसेबल्ड पर्सन वेयर इंक्रीज्ड, तो इन सब लोगों को इस चीज में पार्टिसिपेट कराने विद द एंथोसिज्म। तो बट टू सम एक्सटेंड नाउ इट्स डिक्लाइनिंग। अगर हम देखेंगे अटलांटा 2002 में अटलांटा पैरा ओलंपिक्स में द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी डिड नॉट मेक इट वेरी गुड, एंड जो एथलीट्स थे हैंडीकेप्ड डिसेबल्ड एथलीट्स दे वेयर नॉट प्रोवाइडेड द बेसिक फैसिलिटीज and they were disappointed by this, but to some extent these were organized, it was there was a contribute named as the Paralympics. Thank you very much.